अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल हैं आपके? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। ये है हमारे पास हार्ट गन और SMD भी इसको बोलते हैं। तो प्रॉब्लम इसके अंदर आ चुकी है एयर की, और एयर इसकी जो नाप है आप या वॉल्यूम इसका फुल करेंगे तो अभी एयर इसकी चलती है फुल पे और काम नहीं हो रही है इसकी। ये देखें, ये फुल पे जाके ऑन हो जाती है एयर इसकी, और अब ज़ीरो पे जब करेंगे कंट्रोल करेंगे इसको, कंट्रोल नहीं होती है एयर इसकी। तो हम इसको जल्दी से खोल लेते हैं। पहले ये देखिए, हीटर वगैरह इसका सही काम कर रहा है, लेकिन एयर की प्रॉब्लम इसके अंदर आ चुकी है। ये कैडा कंपनी की है, 850 मॉडल है इसका। तो जल्दी से इसको खोल लेते हैं, फिर इसको अंदर चेक करते हैं इसके अंदर क्या मसला है। मशीन हमने खोल ली है, आप देख सकते हैं ये इसका कंप्रेसर है। इसके अंदर ये पाइप वगैरह जो लगे हुए हैं, ये कंप्रेसर है जो एयर बनाता है। और ये देखिए फिक्स है, और ये नीचे इसके जो सर्किट लगा हुआ है PC जो है इसका, जो इसको कंट्रोल करता है हीट को भी और एयर को भी। तो हम इसको पहले खोल लेते हैं। तो इसको खोलने के लिए इससे पहले आपने जो इसके जो वॉल्यूम पर नाप लगे हैं ये अपने उतारने, ये दोनों दोनों उतारने के बाद इसके नीचे एक नट लगा होता है, प्लास की मदद से आपने वो नट खोल लेना है। दोनों नट खोलने हैं पहले। तो खोलते वक्त इस चीज़ का ध्यान रखें, अगर आप पहली दफ़ा इसको खोल रहे हैं तो आप इसकी वीडियो बना लें या तस्वीरें बना लें, ताकि जहाँ जहाँ इसकी केबलें वगैरह लगी हुई हैं आपको लगाने में वापस आसानी हो, ताकि आप भूल भी जाएं तो दोबारा आप वीडियो देख के उसको दुरुस्त कर सकते हैं कि कौन सी केबल कहाँ लगी हुई थी। ये आपके लिए आसानी रहेगी इसमें। तो आप ये देख सकते हैं, ये तीन वायर जो हैं इसके लगी हुए हैं मेन पावर बटन के साथ। ये इस तरह है, आप वीडियो शूट करेंगे जब भी तो आपको आसानी रहेगी कि कौन कौन से ग्रिप कहाँ कहाँ लगे हुए थे, आपको वापस जोड़ते वक्त काफ़ी आसानी रहेगी। तो PC को बाहर निकालने के लिए जो इसकी वायर हैं छोटी हैं, ग्रिप वायर इसके छोटे लगे हुए हैं, और आप उसको उतारेंगे जब तो PC आपकी बोर्ड जो PC बोर्ड है वो आज़ाद हो जाएगा और सामने ईजीली आएगा। तो तीन ही इसके ग्रिप लगे हुए हैं ऊपर, एक जो है वो कंप्रेसर का है, एक हीटर का है, और एक जो PC के अंदर मेन पावर आती है वो है। तो वो आप इस पर निकालेंगे इसको बाहर, उसके बाद ही इसकी जो PC सर्किट वो बाहर निकलेगा। तो ये पहले ग्रिप आप उतार लें, ये मेन पावर का है, ये जो चौड़ा सबसे ग्रिप लगा हुआ है ये हीटर का है, और ये कंप्रेसर का लगा हुआ था इसके साथ जो हवा के लिए है। तो PC बाहर निकालने के बाद आप इस पर एक नज़र मारें कि कोई कंपोनेंट हीट अप होने की वजह से ख़राब हुआ हो या डिसोल्ड हो चुका हो, तो आप उसको रीसोल्डिंग कर दें, वो भी एक प्रॉब्लम आ सकती है इसमें। मीटर को ओम पे सेट कर लें, उसके बाद जो इसकी वेरिएबल लगी हुई हैं सामने वेरिएबल वो चेक करें। एयर की जो वेरिएबल है वो ये है, इस साइड पर जो लगी है ये आप टेस्ट कर सकते हैं इसको। ये देख सकते हैं जिधर एयर फुल आ रही है, इस साइड पे घुमाते हैं आप इसको, उधर जो इसकी रीडिंग आ रही है मीटर की, और ये देख सकते हैं आप 116 ओम, ये आप देख सकते हैं। तो जब आप क्लोज़ की तरफ इसके लगाएंगे प्रॉक्स मीटर की, तो ये आपको शॉर्ट दिखाएगा, जिसकी वजह से एयर बिल्कुल बंद हो जाती है। इधर जब आप वॉल्यूम घुमाते हैं तो बिल्कुल एयर इसकी बंद हो जाती है, ये शॉर्ट होने की वजह से होता है, बिल्कुल एयर बंद ही हो जाती है इसकी। तो प्रॉब्लम जो है इसी में है, आप इसको चेंज करेंगे तो आपको मसला हल हो जाएगा। ये 500K का है जो वेरिएबल लगा है इसके अंदर,
तो 500 k का ही वाली वेरिएबल इसके अंदर आप लगाएंगे तो तभी ये सही वर्क करेगी। इसमें कोई और अगर आप लगाएंगे तो नहीं चलेगी ये, क्योंकि वेरिएबल जल्दी ही उड़ जाएगी। मेरे पास अभी इसकी वेरिएबल जो है वो मौजूद नहीं है, तो मैं इसको जुगाड़ी तरीके से ही काम चला रहा हूँ, क्योंकि मैंने अभी काम करना है और मेरे पास इसकी वेरिएबल तो नहीं है। लेकिन आपके पास अगर वेरिएबल है तो उसको चेंज लाजमी करें। ये सिर्फ वक्ती काम चलाने के लिए मैं अभी इस पर काम कर रहा हूँ। इसमें डाल रहा हूँ थोड़ा सा पेट्रोल या जो सिलाई मशीन का तेल होता है वो भी डालकर आप इसको घुमाएँ 3-4 दफ़ा, तो आपका मसला जो हल हो जाएगा। तो इसका जो प्रॉपर हल है वो यही है कि इसकी जो वेरिएबल आप चेंज कर दें, तो अभी आपकी जो SMD है वो सही काम करेगी। तो जल्दी से हम इसको सेट करके फिर आपको दिखाते हैं। जोड़ी ऑन करके आपको चेक कराते हैं, ये आप देख सकते हैं यह अभी इसकी हीट कंट्रोल है। ये वक्ती सिर्फ वक्ती काम चलाने के लिए आप इतना कर सकते हैं अभी, लेकिन इसका जो प्रॉपर हल है वो यही है कि इसकी वेरिएबल चेंज करें तो तभी ये सही वर्क करेगी। तो अगर आपके पास वेरिएबल इसकी मौजूद नहीं है तो आप वक्ती काम चलाने के लिए इस तरह का जुगाड़ी काम कर सकते हैं, जुगाड़ करके आप चला सकते हैं इसको। तो ये इसकी इनपुट एयर और यहाँ से आउटपुट होती है, ये इनपुट पाइप है इसका, यहाँ से हवा खींचता है अंदर की तरफ कंप्रेसर, या और दूसरा आउट करता है। अभी ये आप देख सकते हैं सीवर का भी है ये, तो ये सिर्फ वक्ती काम चलाने के लिए आप कर सकते हैं, वरना प्रॉपर हल इसका वही है जो मैंने आपको बताया है। इसकी हीट कंट्रोल करने के लिए वेरी लाभ तो चेंज ही करनी पड़ेगी, तभी आपको काम कर सकता है। ये अभी सही बार कर लिया, लेकिन ये थोड़े अरसे के लिए काम करेगी। ओके, वीडियो पसंद आए लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक पे वीडियो के साथ।